जाका अशरफ साहब जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाते हैं, क्रिकेट वहां के चलाते हैं, उन्होंने एक इस तरह की स्टेटमेंट दे दी जो शायद मुझे लगता है कि सेंटीमेंट को बदल भी सकती है। मोहब्बत से अपने हम खिलाड़ियों को हमने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, मैं खाली पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने पैसे कभी नहीं मिले जितने मैंने इनको दिए, क्योंकि मेरा मकसद एक ही था कि हमारे जितने प्लेयर्स हैं ये मोराल इनका अप होना चाहिए जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं जहां कंपटीशन हो रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि जी प्लेयरों को खुश रखना था, क्यों? क्योंकि वो दुश्मन मुल्क जा रहे हैं। इनको समझना चाहिए कितना सेंसिटिव ये इशू है कि अगर आप इंडिया गए अपने पाकिस्तानी बच्चों को लेकर ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि यार वो दुश्मन मुल्क में खेलने गए। यार दुश्मन मुल्क, आप रोना रो रहे थे लगातार, यही हरकतें हैं जो इंडिया को, मतलब इंडियंस को हर्ट करती हैं। हमने हमारी साइड से नहीं कहा गया ना, पीसीबी प्रेसिडेंट हूं ये बात। सामने क्रम जका अशरफ जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन हैं, उनका एक बयान इस वक्त पूरी दुनिया में गर्दिश कर रहा है जिसमें उन्होंने एक वर्ड दुश्मन मुल्क का ना सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि ये कहा कि हमारे बच्चे दुश्मन मुल्क टूर्नामेंट खेलने गए हैं, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। यानी कि उनका इशारा भारत की तरफ था। अब डेलिब्रेटली उन्होंने ये बात कही है या उनके मुंह से ये दुश्मन मुल्क लफ्ज निकला है, लेकिन जो भी हुआ है उसने एक बड़ा वबाल खड़ा कर दिया है और उसके काफी नेगेटिव इंपैक्ट्स भी सामने आ रहे हैं। एक इतनी बड़ी आईनी पोजीशन पर बैठा हुआ शख्स उसका एक एक लफ्ज काफी मानी रखता है और उन्होंने एक लंबा बयान दिया था लेकिन उसमें से एक वर्ड को पिक किया गया जो कि काफी नामुनासिब था और इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया पर वो चल रहा है और खासकर उस वक्त जब पाकिस्तानी टीम का भारत में काफी बड़ा इस्तकबाल हुआ है और इस पर भारत के मीडिया का क्या रद्द अमल है, खासकर वो चंद चेहरे जो कि पाकिस्तान की मोहब्बत में खुलकर इजहार भी करते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वेलकम भी किया, उनका क्या रद्द अमल है, जिनमें खासकर विक्रांत गुप्ता हैं, सुशांत मेहता हैं, जो कि चंद गिने चुने ऐसे चेहरे हैं जो कि भारत में पॉजिटिविटी को प्रमोट करते हैं। हालांकि सुशांत मेहता भी हैं जो कि दुश्मन दुश्मन करते रहते हैं, ठोका ठोका करते रहते हैं। वैसे दुश्मन मुल्क अगर मैं नाम लेता हूं या फिर आप में से कोई सोशल मीडिया पर नाम लेता है तो कोई बड़ा मानी नहीं निकलता, लेकिन अगर एक पीसीबी चेयरमैन लेवल का बंदा करता है और वो भी ऐसे वक्त पर जब वर्ल्ड कप खेलने के लिए आपके मुल्क की टीम उसी मुल्क गई हुई है जहां पर उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, जहां पर उनका अच्छा वेलकम भी किया गया है, इसने एक बड़ा इंपैक्ट डाला है। और आज की इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि इस वक्त विक्रांत गुप्ता का क्या रद्द अमल है, सुशांत मेहता क्या कहते हैं, किस तरह वो अफसरदा दिखाई देते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी अपने मुल्क में अपने लोगों को जवाब देना होता है कि जिस मुल्क की आप तारीफ करते हैं वहां के तो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आपको अपना दुश्मन करार देता है, तो फिर आप किस मुंह से उस मुल्क की तारीफ करते हैं। बहरहाल अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए आपको दिखाते हैं कि इस पर विक्रांत गुप्ता और बाकी लोग क्या कहते हैं। दिख रही थी, ये होता भी है कि कभी कभी आपको द फियर ऑफ द अननोन होता है कि यार कहां जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। ज्यादातर खिलाड़ी तो इंडिया आए भी नहीं थे, लेकिन द मोमेंट उन्होंने एयरपोर्ट और उसके बाद होटल में देखा किस गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ, तो सारे प्लेयर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि भाई मजा आ गया, इंडियन हॉस्पिटैलिटी का मजा आ गया। और मैंने देखा कि पाकिस्तान से भी जो क्रिकेट फैंस हैं सोशल मीडिया के जरिए थैंक्स कह रहे हैं कि जी बहुत शुक्रिया इंडिया, आपने हमारे प्लेयर्स का इस तरह का स्वागत किया। लेकिन जाका अशरफ साहब जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाते हैं, क्रिकेट वहां के चलाते हैं, उन्होंने एक इस तरह की स्टेटमेंट दे दी जो शायद मुझे लगता है कि सेंटीमेंट को बदल भी सकती है। मुझे थोड़ी सी हैरानी है कि यार 2012 में भी इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस करवाए थे। इनको समझना चाहिए कितना सेंसिटिव ये इशू है कि अगर आप इंडिया गए अपने पाकिस्तानी बच्चों को लेकर यह स्टेटमेंट दे रहे हो कि यार वो दुश्मन मुल्क में खेलने गए। यार दुश्मन मुल्क, आप रोना रो रहे थे लगातार, यही हरकतें हैं जो इंडिया को, मतलब इंडियंस को हर्ट करती हैं। हमने हमारी साइड से नहीं कहा गया ना, पीसीबी प्रेसिडेंट हूं ये बात। कोई एक्स क्रिकेटर जिसे वापस ट्रेंड में आना हो, कोई पाकिस्तान का नॉर्मल सा लड़का ट्विटर पर बैठकर कर रहा हो, इट्स ओके, चलता है। लेकिन जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट, जो एक जिम्मेदारी भरा पद है, उस वक्त ये बोलता है जब उसकी टीम को इंडिया में दिल खोल कर स्वागत किया जा रहा है, बाहें फैलाकर स्वागत किया जा रहा है, लोग गले लगा रहे हैं, आई थिंक वहां पर ये थोड़ा पेनफुल है और इस बात को लेकर विरोध करना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान से कुछ लोग हैं जिन्होंने विरोध भी किया है, कई सारे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने लिखा कि सर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वहीं पाकिस्तान में कई लोग ऐसे भी जो लिख रहे हैं कि बढ़िया तो कहा है, जिसे ही कहा है, दुश्मन के घर में जाकर दुश्मन को ऐसा वैसा करना, मतलब फिर वही बात है कि आप अगर ये शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो फिर हमारी तरफ से भी शब्द इस्तेमाल होंगे। और जो पैसे की बात है यार, आपके पैसों को लेकर विरोध क्या था? आपने 45 लाख रुपए कर दिए बाबर, शाहीन और रिजवान को हर महीने मिलेंगे, फिर आपने क्या किया? 45 लाख रुपए आपने बढ़ाए, लेकिन उसमें से आपने इतना टैक्स मार दिया कि बेचारे दुखी थे कि उनके हाथ में फिर भी 25-28 लाख रुपए आ रहे हैं। बी कैटेगरी वालों को 30 दिया तो उनके पास 15-16 लाख रुपए आ रहे थे, सी कैटेगरी को आपने 15 लाख किया। सो आपने पैसों को लेकर जो किया वो ठीक है, आपने किया है। उनका हक है, आप अभी भी देखो ना, दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड के मुकाबले बहुत कम पैसे दे रहे हो। उन्होंने कल एक्साइटमेंट में पाकिस्तानी मीडिया को एड्रेस करते हुए ये बोला कि जी हमने पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के कॉन्ट्रैक्ट्स में इतना पैसा कर दिया है मैंने कि प्लेयर्स खुश हो जाएं, क्यों? क्योंकि वो दुश्मन मुल्क जा रहे हैं।
हकीकत है, अगर आप मेरा यकीन नहीं करते तो पहले आप सुनिए कि ज़ाका अशरफ साहब ने बोला क्या है। इस प्यार और मोहब्बत से अपने हम खिलाड़ियों को हमने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, मैं खाली पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने पैसे कभी नहीं मिले जितने मैंने इनको दिए, क्योंकि मेरा मकसद एक ही था कि हमारे जितने प्लेयर्स हैं ये मोराल इनका अप होना चाहिए जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं जहां कंपटीशन हो रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो प्लेयरों को खुश रखना था, क्यों? क्योंकि वो दुश्मन मुल्क जा रहे हैं। अरे यार, वर्ल्ड कप खेलने आपकी टीम आई है और आप कह रहे हैं कि दुश्मन मुल्क जा रहे हैं, और पाकिस्तान से ही आप लोग कहते थे कि यार स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स मत कीजिए, और अगर आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं या क्रिकेट बोर्ड चलाते हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ज़ाका अशरफ साहब ने अपने आप को कंडक्ट अच्छा किया था। आप देखें जब वो बने उसके बाद से बीसीसीआई के साथ, एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ उनके तालुकात ठीक थे, हाइब्रिड मॉडल भी हुआ, श्रीलंका में भी हुआ, लोगों ने बहुत कुछ बोला लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। टूर्नामेंट एशिया कप का खत्म हुआ, उन्होंने तारीफ ही की थी, लेकिन ये स्टेटमेंट, और वो भी वर्ल्ड कप की ईव पे, जब आपकी टीम हैदराबाद पहुंच चुकी है, आप ये कह रहे हैं कि इंडिया एक दुश्मन मुल्क है, तो मुझे लगता है कि शायद इससे ना शायद ऐसा ना हो कि जो इंडियन फैंस उनको वेलकम कर रहे थे वो खटास आ जाए। मैंने ना एक ट्वीट किया, मैंने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, मैंने कहा, नो बॉल मिस्टर चेयरमैन, योर प्लेयर्स वर गिवन अ वार्म रिसेप्शन बाय द इंडियंस एंड यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इट सीम्स ही हिमसेल्फ यानी कि ज़ाका अशरफ इज अ दुश्मन ऑफ हिज ओन पाकिस्तान टीम। मैंने कहा यार ये तो आपने पैर कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ी पर पैर रख दिया, वो देखिए। अब उसके बाद सरप्राइजिंगली बहुत से पाकिस्तानी जो फैंस हैं उन्होंने उस ट्वीट पर जवाब दिया, जैसे फैसी मलिक कह रहे हैं कि आई एग्री विद यू, इज रॉन्ग। एक अली सैट है, वो कह रहे हैं कि जी पड़ोसी मुल्क की बजाय उन्होंने दुश्मन मुल्क बोल दिया, वो गलत है। बहुत से हैं, अहमद कह रहे हैं कि मैं एक बात बता दूं कि ज़ाका अशरफ साहब को पाकिस्तान में पसंद नहीं किया जाता, तो उनकी बातों को आप इग्नोर कर दें। सो मुनीब इकबाल कह रहे हैं लव एंड पीस, तारिक खान कह रहे हैं जी अग्रीड, अब्दुल रफे हैं वो कह रहे हैं थैंक यू इंडिया फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, वी ऑल पाकिस्तानी कंडेम दिस दुश्मन वर्ल्ड। तो ये मैं आपको सिर्फ एक सैंपल दे रहा था, इसका मतलब यह है कि फॉर्चुनेटली जो सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया रैंट जो चल रहा था इतने दिनों से, वो अपने जब आप प्लेयरों को आपने देखा कि हैदराबाद में वेलकम किया गया, तो लोगों का सेंटिमेंट बदला। पर मुझे ये लगता है कि ज़ाका अशरफ साहब का ये कहना कि इंडिया एक दुश्मन मुल्क है और हमारी टीम वहां जा रही है, और कुछ होना हो आप अपनी टीम पर दबाव जरूर बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप उन प्लेयरों को कह रहे हैं कि आप दुश्मन मुल्क में हैं, फिर आप अपने प्लेयरों को ऑब्वियसली फियर ऑफ फेलियर भी डाल रहे हैं, तो हमें फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के प्लेयरों से पूछिए ना कि हैदराबाद में जिस तरह की हॉस्पिटैलिटी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिल रही है, सराखों पर लोगों ने रखा, चाहे इंडियन क्रिकेट फैंस हो, बस ड्राइवर से लेकर होटल स्टाफ, एयरपोर्ट स्टाफ, और चाहे पाकिस्तान के खिलाड़ी हों, चाहे शाहीन अफरीदी जिन्होंने कहा कि क्या शानदार वेलकम हो, बाबर आजम, फकर जमान, शदाब खान, तमाम खिलाड़ियों की तरफ से जो उनका फर्स्ट रिएक्शन आया है, वो भी कह रहे हैं कि यार दिल खोल कर हमारा स्वागत किया गया, इतनी तो हमें भी उम्मीद नहीं थी।